ये है बारिश की बूंदों की फूलों और पत्तों पर गिरने की आवाज। सुन रहे हो? कहीं ये खुद बारिश की आवाज तो नहीं? द वॉइस ऑफ द रेन हमसे कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर कैसे कहेंगी और कौन सी लैंग्वेज में? और सबसे बड़ी बात, वो भाषा समझेगा कौन? पर कोई है जिसे मैं जानता हूं, लोग उसे कवि कहते हैं, और नर्म गिरती हुई बारिश की बूंदें उससे बातें करती हैं, और कहती क्या है हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश बर्ड, अ चैनल वेयर लर्निंग इंग्लिश इज अ फन। तो स्टूडेंट्स, आप जान गए होंगे आज हम डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की पॉइंट नंबर 3, द वॉइस ऑफ द रेन। तो सबसे पहले मिलते हैं ऑथर ऑफ द पोएम, जिसे बारिश की बूंदें भी बातें करती है, वॉल्ट व्हिटमैन, एन अमेरिकन नेचर पोएट, एसिस्ट एंड जर्नलिस्ट। उन्हें फादर ऑफ फ्री बर्ड्स भी कहा जाता है, और ये पोएम भी फ्री बर्ड्स में ही है, जिसमें राइम, म्यूजिक और टोन का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। यही कारण है कि पोइम कन्वर्सेशन है, जिसमें रेन पोएट से बातचीत करती है। द रेन एक्सप्लेन इट्स इटर्नल जर्नी, जो शुरू होती है इस धरती से और कई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर दोबारा धरती पर ही खत्म हो जाती है। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले जानते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग्स। इटर्नल नेवर एंडिंग, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाला। इम्पाल्पेबल, जिसे छुआ ना जा सके। वेंस, वेयर, जहां से। बेगली, नॉन क्लियरली, अस्पष्टता से। डिसेंट, कम डाउन, नीचे उतरना। लेव, वॉश, नहलाना। एटोमीज, स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण। लेटेंट, हिडन। तो पोएम शुरू करते हैं। एंड हु आर यू, और तुम हो कौन? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, मैंने पूछा धीरे धीरे गिरती हुई बारिश की बूंदों से। विच, जिसने। स्ट्रेंज टू टेल, कहते हुए अजीब लग रहा है। गिव मी एन आंसर, उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसका अनुवाद मैं यहां पर कर रहा हूं। ये पहली दो लाइंस पोएट ने कही। अब देखते हैं बारिश क्या कहती है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कविता हूं इस धरती की। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने कहा। इटर्नल आई राइज, सदा से ही मैं ऊपर उठती हूं। इम्पाल्पेबल, बिना नजर आए और अनछुए। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, इस धरती की और अथाह समंदर की गोद से। अपवार्ड टू हेवन, ऊपर ही ऊपर, स्वर्ग जैसे आसमान पर। वेंस, जहां पर। वेगली फॉर्म्ड, मैं धुंधला सा आकार लेती हूँ। ऑल टूगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, पर रहती मैं बही हूँ, अर्थात मेरे स्वभाव में जो शीतलता है, चंचलता है, वो तो रहती है, बदलती है। आई डिसेंड, फिर मैं नीचे उतरना शुरू करती हूँ। टू लेव द ड्राउट, मैं अकाल और सूखे को खत्म कर देती हूँ और नहला देती हूँ। एटोमीज, छोटे छोटे कणों को। डस्ट लेयर, धूल की परतों को भी। ऑफ द ग्लोब, इस पूरी की पूरी धरती के। एंड ऑल दैट इन देम, और वो सब कुछ जो इनमें है। विदाउट मी, जो मेरे बिना। बस सीड्स ओनली, केवल बीज ही रहते, उनमें कॉम्प्लेन नहीं फूटती। लेटेंट, दबे रहते, अनबॉर्न, जन्म तक नहीं लेते। एंड फॉरएवर, और सदा से ही। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन वापिस देती हूँ। टू माई ऑन ओरिजिन, अपने अस्तित्व को, अपने जन्म स्थान को। एंड मेक प्योरिफाइड, और उसे शुद्धता दिए जा रही हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और उसे और भी सुंदर बनाए जा रही हूँ। अब रहती है पोएम की अंतिम दो लाइन्स, जो मेन पोएम से संबंधित नहीं है। इन लाइंस में पोएट सॉन्ग को रेन के साथ आइडेंटिफाई करता है। पोएट कहते हैं, सॉन्ग भी तो रेन की तरह ट्रेवल करता है। बेवी,
इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस अपने जन्म स्थान से निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट पूर्णतिया को प्राप्त करने के बाद वांडरिंग संसार भर में घूमता रहता है, रैकेट और अनरैकेट, चाहे इसे कोई सुने या फिर ना सुने। जूली विद लव रिटर्न्स उन्हें आनंदित करने के बाद वापस प्यार सहित अपने जन्म स्थान यानी कवि के हृदय में वापस आ जाता है। पोएम की एक्सप्लेनेशन में बस इतना ही। अब बारी आती है इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, हु डू दे बिलोंग। कविता में दो आवाजें दी गई हैं, वे किनकी हैं? देयर आर टू वॉइसेस ओनली, जिनमें एक वॉइस ऑफ द रेन है और दूसरी है खुद पोएट की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मींस। स्ट्रेंज टू टेल मींस फ्रेज का क्या मतलब है? It means that it was strange that the rain replied to the poet's questions. Question number 3. There are parallels between rain and music. Explain the similarities between. Last line में rain और music के parallel को बताया गया है। दोनों के life cycle same है। दोनों अपने अपने birthplace से निकलकर पूरे world को आनंदित करके वापस अपने जन्म स्थान में आ जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज द साइक्लिक मोमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम। पोएम में रेन की साइक्लिक मोमेंट को बताया गया है। कंपेयर इट विद व्हाट यू हैव लर्नड इन साइंस। रेन के बारे में जो आपने साइंस में पढ़ा है उसके साथ कंपेयर करो। तो पोएम में रेन की साइक्लिक मोमेंट को बताया गया है, वह बिल्कुल मिलती है जो हम साइंस में पढ़ते हैं कि कैसे समंदर में पानी इवेपोरेट होकर वाटर वेपर बन जाता है जो कंडेंस होकर क्लाउड्स बन जाती हैं, बाद में रेन ड्रॉप्स बनकर दोबारा सागर में मिलते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा।